पहला पॉडकास्ट है पौष बिहारी का और आज हमारे साथ हैं सत्यकाम भाई। हाय। बहुत फॉर्मल शो नहीं है सत्यकाम भाई और पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं पॉडकास्ट और हाँ। पूरा आइडिया जो है हम लोग का वो ये है कि बिहार से जो भी लोग बाहर निकले हैं छोटे बड़े हर स्तर पे और उनसे बात की जाए, उनकी कहानी को डॉक्यूमेंट किया जाए। मतलब मैं तो खैर काफ़ी दिन से आपसे जानते हैं, हाँ, काफ़ी दिन से आपको जानता हूँ। मुझे लगता है 2015 से हम लोग टच में हैं। बिल्कुल। और मेरी और आपकी जो पहचान या दोस्ती कह लें वो थोड़ी इस बात पे भी रही है कि कोई हम लोग का कोई मोटिव नहीं रहा है, हम लोग हमेशा टच में रहे हैं। हाँ। सबसे पहले धन्यवाद कि आप पौष बिहारी पॉडकास्ट में आए पहली बार और हम लोग से बात कर रहे हैं। आप कैसी रही है अभी तक की जर्नी? मुझे बहुत खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि एक होता है ना कि हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा ना तो ऐसा हो जाएगा। तो जब हो जाता है ना तो हमको लगता है कि यस वी आर ऑन राइट वे, कि हमारा जो गेसिंग था, समझने की जो समझ थी कि ऐसा होगा, इसका रिजल्ट यही होगा और वो हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। यानी कि हमारे अपने खुद के डाउट्स को एक मिल जाता है कि नो आप सही सोच रहे हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत खुश हूँ कि अभी तक जो सोचा है वो चीज़ें वैसी हो रही है। तो आई एम हैप्पी। गैंग्स ऑफ वसेपुर में जो एक बड़ा फेमस आपका आपके कैरेक्टर के साथ एक डायलॉग यूज किया गया था बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाँ। तो हो पाया या नहीं हो पाया? किस्मत वाले आप हैं कि कोई आपको कहता है कि तुमसे ना होगा, मतलब ये है कि आप ऐसे शांत बैठे हैं, लाइफ शांत है, सडनली कोई आके बोलता है कि तुमसे नहीं हो, तो जो उठा देता है ना वो, और आप बोलते हैं कि साला हम दिखाएंगे, चाहे जिस वजह से हो कि हम तो करके दिखाएंगे, तो वो वाला मामला है। अभी आपसे थोड़ा देर पहले, मतलब इंटरव्यू के पहले मेरी बात हो रही थी आपसे और आपने बोला कि एक बहुत बड़ा राइज आया था आपकी ज़िंदगी में गैंग्स ऑफ वसेपुर के पहले भी, जो बाद में आपको लगा कि वो थोड़ा डिप हो गया, सारे लोग उठ गए और आप आफ्टर गैंग्स ऑफ वसेपुर, यस सारे लोग उठ गए और आपके आपका जो रियल स्ट्रगल है वो गैंग्स ऑफ वसेपुर के अरे बाद हुआ। Actual, अब ये जब मैं बाहर बैठा इस चीज को, मतलब मैं तो गैंग्स ऑफ वसेपुर का इतना बड़ा फैन हूँ कि मुझे लगता है कि पूरे कोरोना काल में मैंने सिर्फ गैंग्स ऑफ वसेपुर ही देखी और तकरीबन 22 दिन मतलब मैं जम के देखी लॉकडाउन में, खाली मैंने पूरी फिल्म वो जितनी बार मैं देख सकता था उतनी बार देखी थी और आज भी देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस चीज को सोच नहीं पाता हूँ कि उस फिल्म के बाद क्यों स्ट्रगल, वो तो काफ़ी मतलब फेमस फिल्म रही। मुझे लगता है कि आगे सदियों तक उस फिल्म को देखा जाएगा। आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था लेकिन आपने कहा कि वो उसके बाद थोड़ा डाउनफॉल आया आपके। थोड़ा नहीं, बहुत तगड़ा मतलब बहुत तगड़ा, अभी कहते हुए मतलब चेहरे पे स्माइल है बिकॉज मैं उसको क्रॉस किया। मुझे भी समझ में नहीं चीज़ें उससे माई। बेसिकली क्या कि गैंग्स ऑफ वासेपुर कोई भी फिल्म है हिट होती है ना तो सब हिट होते हैं। वासेपुर तो उस लेवल के हिट है कि मतलब आप कह नहीं सकते। तो वासेपुर से जुड़े हुए जो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो सब आज के डेट में उसमें भी राइज किए, सबको काम मिलता है, यही होता है ना प्रोसेसिंग जो है। और आज मुझे लगता है शायद जो मेरी अपनी समझ है कि आज की जो एग्जिस्टिंग बॉलीवुड है 40% तो सिर्फ वासेपुर से निकले होंगे सब लोग, हर डिपार्टमेंट से जुड़े लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइज किए। मेरे लाइफ में भी वही हुआ, मेरे पास 8 फिल्मों का ऑफर आया, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद जैसे बाकी लोग आता है तो मेरे पास भी आया। तो उसमें से 5 फिल्में थी जो जेपी सिंह तरह का ही कैरेक्टर था, ये ठाकुर का लड़का है तो ऐसा है, तो 10 साल की बेटी भी है तो बेटा है, तो ये तो वो करना नहीं था मुझे, कभी भी नहीं करना था। लेकिन अब ये जो ऑप्शन एक आया कि नहीं करना है तो इसको मुझे बल इसलिए मिला बिकॉज 3 और जो फिल्में थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्में थी कि हमको सोचना पड़ा था। तो क्या था, एक फिल्म थी द माया टेप। ये फिल्म 2013 में शूटिंग हुई इसकी, इसमें नवाज भाई और मैं हम दोनों लीड में हैं। मतलब मैं आज अभी भी ये बात कह सकता हूँ कि अगर आज अभी अगर फिल्म रिलीज हो जाए, क्योंकि अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो भी मतलब होगा अरे यार क्या परफॉर्मेंस किया है मेरे बारे में। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर वैसा है और किया गया है। उसके जो
डायरेक्टर है निखिल राजकुमार हिरानी के असिस्टेंट। तो ये एक सेटअप था कि एक फिल्म है जो बहुत कमाल की फिल्म है जिसमें नवाज भाई का हाल ये था उस समय कि वो डिक्लेयर था कि इनको निकल जाना है। क्यों? बिकॉज तीन फिल्मों की लाइनअप थी उनकी, तीन मतलब कैसे, तलाश, गैंग्स ऑफ वासेपुर और कहानी। तो ये क्लियर है कि वासेपुर आया धड़ दो पार्ट गर्दा, कहानी आएगा बूम, तलाश आमिर खान के साथ बूम, तो इस आदमी को कौन रोकेगा। तो ये वो समय था, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी जुड़ा है उस फिल्म से तो यही सोचेगा कि भाई एकदम रास्ता क्लियर है, नवाज भाई तो एकदम हॉट केक है। वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई है। एक फिल्म है मिसेज स्कूटर जिसको अभय देओल ने प्रोड्यूस किया था, प्रेजेंट बाई अभय देओल। अब ये 2013-14 के आसपास में आपको ध्यान होगा कि अभय देओल का जो इमेज था मार्केट में, नए जो नया इमेज बना था कि इज लाइक अ न्यू आमिर खान, कुछ अलग सोचता है, अलग कहानी, हाँ, अलग फिल्म, राइट? उनकी बिल्कुल वैसी है। तो ये तो जो भी अभय देओल प्रोडक्शन की बातें आएगा तो दिमाग में आएगा कुछ तो अलग फिल्म होगी। ये 2014 की बात कर रहा हूँ। ये फिल्म कहाँ पर रिलीज हुई? अमेजोन पे। 2014 में हमारे इंडिया में अमेजोन आ चुका था। तो अमेजोन आया जिसके बारे में हम ऑनलाइन थे ही नहीं, किसी को पता भी नहीं था कब आया, कब इस पर लॉन्च हो गई, किसी को पता है नहीं। और तीसरी फिल्म आज तक कंप्लीट ही नहीं। तो इन तीनों में क्या हो गया ना कि अब 2012 में रिलीज होती है वासेपुर, एक डेढ़ साल तो लग गए कहानी में, क्योंकि भाई इस तरह के जब डायरेक्टर हैं तो उनकी एक प्री प्रोडक्शन होगी, सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, हमको हड़बड़ी क्या थी, वासेपुर से पहले तो काम ही नहीं था मेरे पास, वासेपुर के पास मेरे पास अब पाँच छोड़ दिया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तीन है बहुत है और बढ़िया है काम, हमको पता है कि बड़ी फिल्म है, एक इसी में से एक फिल्म हमको और तीन फिल्म दिलवाएगी। तो कोई जल्दबाजी नहीं थी कि और 10 काम कर ले। तो मेरा कुछ समझ लीजिए डेढ़ साल गया इसमें शूटिंग के, इसी की शूटिंग में। अच्छा, उतने बड़े एक्टर तो थे नहीं हम लोग कि बहुत बड़ा रकम अमाउंट पे किया जाएगा, तो पैसा भी बहुत नहीं आया। उसके बाद मतलब 2014 आप समझ लीजिए 13 के आसपास के एंड के आसपास तक में ये सब शूटिंग वूटिंग खत्म हुई और रिलीज ही नहीं हुई। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी सबका और काम, जितने भी वासेपुर से जुड़े लोग थे सबका एक के बाद काम दिख रहा है, तो ये दिखाई नहीं। और मैं आ गया वापस जीरो, बिकॉज दो साल आफ्टर वासेपुर, दो साल स्क्रीन पर नहीं दिखना, तो मेरी तो क्या अमिताभ बच्चन साहब की लाइफ में जो प्रॉब्लम आई थी वो कुछ दिन गायब हो गए थे स्क्रीन से, तो लोगों ने उनको देखना छोड़ दिया था। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है सिनेमा का कि अमिताभ बच्चन अगर गायब हो जाते, कोई हमारे सुपरस्टार भी फ्लॉप होता है, अगर दिखता नहीं कुछ दिन तक तो हम नहीं देखते, सच्चाई यही है। तो मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, तो वो क्या हुआ, गायब हो गया। तो जेपी सिंह जिंदा रहा, सत्यकाम आनंद गायब हो गया, हमको काम भी नहीं था मेरे पास। प्लस मैं मुकेश छाबरा को, मुकेश भाई को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, 96 में हमने प्ले किया था दिल्ली में, तो मेरी जब एज एन एक्टर मुझे उस तरह का काम नहीं मिल रहा था, तो घर सर्वाइव कैसे किया जाए। तो मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने किसी को असिस्ट किया है, तो ये किया है, वो किया, लेकिन कुछ जम नहीं रहा था। वो पैसे के लिए करना था, उसमें भी लगा था कि नहीं यार कुछ और कर लेते, कुछ और कर लेते। तो इसी दौरान मुकेश, उसमें मुकेश नया नया कास्टिंग में शुरू हुआ था, तो मैंने मुकेश को असिस्ट भी किया है 2008 से लेकर 2010 तक। तो मुकेश ने शुरू से बड़ा ही काम किया है, ऐसा नहीं कि होता ना कि भाई सडनली मुकेश छाबरा इतना बड़ा हो गया, वो जो पहला भी काम किया था तो बड़े ब्रांड का ही काम हुआ था, ऐसा मामला था, बड़े बड़ी ही फिल्में होती थी, बड़े प्रोडक्शन की ही फिल्में होती थी, तो तभी वो रिनाउंडेड इतना ज़रूर हो गया था। तो जितने भी ऑडिशंस देने लोग आते थे एक्टर, और मैं उस समय कास्टिंग असिस्टेंट हूँ, तो ये लोग सब पर्सनली मुझे जानते थे, राइट? दूसरा क्या कि वासेपुर में जेपी सिंह हो गया। अब उसके बाद मेरे पास काम नहीं है, अब काम नहीं है तो काम आ भी नहीं रहा क्योंकि दो साल निकल गया, तो अब रास्ता क्या है, जाके मांगना पड़ेगा। तो ये जो फेज था वो बहुत समझ ही में नहीं आया। फिल्म जब रिलीज नहीं हो रही, जैसे आप बोला, समझ ही में नहीं आया कि क्या हो रहा है और इसका ऑप्शंस क्या है। जब एक फिल्म रिलीज नहीं होती है, हाँ, अगर मैं एकदम आपसे बनावटी भाषा में या लहजे में इस सवाल का जवाब नहीं चाहूं और आपसे ये नहीं, मैं दूंगा, कितना खराब, मैं दूंगा, कितना खराब लगता है अगर एक फिल्म नहीं रिलीज हुई। देखिए मेरे, मैं तो अपनी फीलिंग बताऊंगा ही, मास का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या है कि हम एक्टर हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ भी तो उसी तरह के लोग होंगे, तो एक जो मास बातें आती है, तो सबसे ज़्यादा तो खराब क्या लगता है ना कि एक उम्मीद ये बनती है ना कि ये जो फिल्म आएगी ना तो मेरा इसमें ना एक वर्क दिखेगा, ठीक। तो उस वर्क से अभी जो हमारा कंडीशन है उससे एक लेवल वर्क हमारा स्टेप बढ़ जाएगा, दो नए काम आएंगे बिकॉज अच्छा काम किया है। तो क्या होता है कि नहीं आने से ना ये मौका ही नहीं मिलता दिखाने का, तो आप दिख ही नहीं रहे,
आप में टैलेंट कितना है, प्लस खाली एक तो हो गया दिखना, बेसिक जो पहला होता है। दूसरा होता है कि जब दूसरा वर्क मिलेगा ना तो माल भी तो मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो हम स्ट्रांग होंगे, हमारी और सारी जिम्मेदारियों को हम स्ट्रांग करेंगे। तो सबसे बड़ा दुख ये होता है कि अरे यार कितना तगड़ा काम किया था, अब भाई अब देखेगा कोई तभी तो आप कास्ट करोगे। अब मैं आज के डेट में दिख रहा हूँ तभी तो हम लोग बात भी कर रहे हैं, इस पर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हो रही, ये प्रोसेस है, ये सिर्फ हमारे और किसी के नहीं, किसी के साथ होता है। तो ये बहुत खल जाता है कि क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में है ही नहीं। वो क्या प्रोड्यूसर का पंगा होगा, क्या क्यों किस वजह से फिल्म रिलीज नहीं होती है, वो एक्टर सोच के भी चाह के भी क्या कर सकता है, क्योंकि उसका काम है एक्टिंग करो और काम खत्म। तो वो जो एक उम्मीद रहता है ना कि इसके बाद हम ना कुछ मतलब जलवा दिखाएंगे कि ऐसे साला इसके बाद ना गर्दा उड़ा देंगे, जो होता है ना वो जो गर्दा अपना जो उड़ जाता है ना वो बहुत पेनफुल होता है, मतलब तोड़ देता है। एक बात बताइए, मतलब जैसे बिहार से हैं आप, हाँ, ये बिहार से होना किस तरह से फायदेमंद है? ये तो पहले तो आपको ये बोलूंगा कि बहुत मजा आया, बिकॉज इस तरह का सवाल आज तक नहीं पूछा जितने मैंने साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ। खाली ये पूछते हैं कि किस तरह से नुकसानदेह है, सवाल ये आता है कि बिहार का होना कितने क्षति है, ये सवाल होता है। ये पहली बार आप पूछ रहे हैं कि क्या फ़ायदे है, मज़ा आ गया, मैं इसका जवाब दूंगा जो मेरे पास है। देखिए मैं जो जिस बेस पे अब ये कह रहा हूँ वो बेस का मुझे लगता है कि किसी भी जगह का जो मिजाज होता है वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है, यही कहता है साइंस में, यही कहता है कि वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है कि भाई अब बुद्ध बिहार में ही ब्रेन क्यों है, बिहार में ही बुद्ध क्यों। तो ये वो भूखंड है जहाँ पे नॉलेज वाला नेटवर्क बहुत हाई है, वो एक है जहाँ पे क्राइम वाला हाई है। ये तो जैसे कैसे घर में नेटवर्क होता है, उस कोने में पकड़ लेता है, इस कोने में नहीं पकड़ता, तो ये यही होता भी है। तो ये वो जगह है ना जहाँ पे जो भूखंड है यहाँ का, तो जो यहाँ पे जो हमारे जो ब्रह्मांड से हमको जो एक एनर्जी मिल रहा है, मिलती है, तो वो जो उसका फीचर है ना अगर कहें तो वो ऐसा है कि ये करेज है इनके अंदर, हार नहीं मानते हैं। प्लस ये ऐसा जगह है जिसको आप देखिए आज के डेट में लोग कहते हैं कि खाली यहाँ पर बकर 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 हो रहा है, ये बकर बकर होना ये नहीं हो रहा देश में। तो ज्ञान का ये सिस्टम यहाँ हमारे यहाँ खूब बकर बकर होता है, खूब बैठ के लोग बतिया रहे हैं, तो बतिया रहे कि मतलब ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है किसी भी तरह का ज्ञान हो। तो गट्स होता है बिहारियों में, जल्दी हार मानने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, और मतलब ये ब्रीड है वो, इस जगह पे कोई बाहर का भी आके रह जाएगा और यहीं पे उसके अब ब्रिंगिंग होगी तो वो भी ऐसा ही होगा। उसके बाद ये है कि राड़ लेने में बड़ा मज़ा आता है, राड़ मतलब ये है कि लक्ष्य साधने में, ये जाऊँगा ये करूँगा और करते हैं, डेडिकेशन है। बिहारी होने का एक जो बहुत बड़ा मुझे जो समझ में आता है, गर्व होता है इस बात का कि अगर हम लोग लगता है कि शायद पूरे भारत के स्टेट में, ये मेरी वाइफ ने एक बार कहा था कि रेप जैसा कांड जो है ना आप बहुत रेयर सुनते होंगे कि बिहार में होता है। यहाँ का ब्रेन पता क्या है, क्यों लड़की कोई और लड़का कोई और, तीसरा कोई मतलब नहीं, वो भी साला मारता है उसको। तो ये जो एक चीज़ है ना ये बहुत बहुत बड़ी बात है, मुझे जो समझ रहा हूँ वो आपको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ रेप की घटनाएं नहीं घटती हैं बिहार में, लेकिन ये बात तो ये एक ब्रेड मतलब मेरे ख्याल से ये ब्रीड है, एक ये गर्व वाली बात है। ये आप कितना सुनते हैं न्यूज़, हम लोग सुनते हैं क्या कोई भी और लड़ाई होता है, क्राइम होता है, ये होता है, वो होता है, टीचर को लूट लिया गया, ये कर लिया गया, स्कूल में चोरी, बहुत तरह की चीज़ें आती, बट इस तरह का न्यूज़ नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे औरतों का शोषण थोड़ा अलग तरह से होता है, इस बात पे आप इस बात को नकारा नहीं जा सकता। शोषण हर जगह होता है, आदि अनादि काल से हो रहा है, लेकिन कहीं तरीका बदल गया है अलग बात है। तो ये तो चीजें, और ये एक लंबा टॉपिक है कि मतलब जैसे ये पूरा एक लंबा टॉपिक है, लेकिन ये बात मुझे भी जब मैं अब कभी अखबार में इस चीज को पढ़ता हूँ बिहार में कहीं रेप हुआ या कुछ हुआ, तो मुझे थोड़ा मुझे भी थोड़ा लगता है कि यार बिहार में सब कुछ होता था, अपहरण होते थे, फिरौती होती थी, हत्याएं होती थी, लूटपाट होता था, लेकिन ये रेप वाला जो सीन था ना ये सब यहाँ नहीं होता था, नहीं होता अभी भी नहीं, ऑफ लेटली थोड़ा सा होने लगा है। तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा ये जो गिरावट सोच में आ रही है और इस तरफ हम मुझे उसका कारण मुझे आंसर क्या लगता है कि देखिए यहाँ पे जो भी मतलब मैं गवाह हूँ उसका, तो ऐसा लगना नहीं है, कन्फर्म्ड है जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारे बिहार में ना जिनके पास भी थोड़ी सी समझ बढ़ती है ना,
तो समझ बढ़ती पहली बात मन में आती है कि हमको यहाँ से बाहर जाना है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ जीवन का सपना है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी आ जाती है, घर चलाना है, नौकरी करना है, नहीं कमा के लाएंगे तो घर क्या चलेगा, तो इस तरह जो चीज़ें आती है, तो पहली बात यही आती है कि हमको बिहार छोड़ के जाना है, वहीं पर हमको सपना पूरा होगा। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमारे सपने को पूरा हो, जो आपका सपना है और मेरा सपना है, यहाँ कमाई का साधन नहीं है, तो हमको बाहर ही जाना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो ब्रेन जो है ना, थोड़ी सी विकसित ब्रेन, जिसको समझदार ब्रेन कहते हैं, जो हम लोग लो वाली बात करें कि लेवल गिर गया है, तो जिसको थोड़ी भी समझ में आती है ना, वो यहाँ से बाहर चला गया है। तो जो बच गए हो वही बचे हैं नॉर्मली ब्रेन, तो ये ऐसे ही चीज़ें सोचेगा। अभी पहले यहाँ पे हम समझदार आदमी सब लोग रहते थे, बाबूजी अभी हम लोग सुबह अभी भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे 75 तक ये वो प्लेस था जहाँ पे दुनिया भर के लोग इलाज कराने आते थे, पढ़ने आते थे, वो जगह था। अब क्या हुआ कि सारे ब्रेन्स बाहर चले गए, माइग्रेट कर गए, तो जो यहीं पे है तो इसी तरह की बात करेगा वो थोड़ा सा, लेकिन इसी तरह की फिर घटनाएं करेगा वो, इसी तरह की उनके साथ कदम उनको उठेंगे। जैसे मुझे लगता है ये बात आपकी सही है, जैसे मुझे भी थोड़ा मुझे ये चीज लगती है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर तो ठीक है, जैसे वो फिल्म एक रिलीज हुई तो मुझे लगता है कि एक जैसे हम, मैं तो बचपन से दिल्ली में रहा, मुझे ये चीज़ लगती रही कि वो जो एक हमारा एक ब्रांड बनना चाहिए था ना बिहार का, वो बड़ा नीचे गया हुआ था, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद हम लोग थोड़े उठे, एक गलत तरीके से ही उठे, लेकिन एक हो गया कि हाँ, पावर तो है ना, एक पावर बिहारियों के पास पावर है। मुझे अभी भी याद है कि जब 92 में मैं पहली बार दिल्ली गया था, उस समय हम बिहारियों को कैसे देखा जाता था, और आज दिल्ली में आप देखिए, मतलब तो देखिए इसका हो गई है, इसका देखिए कारण है, मतलब जो मुझे समझ से देखिए, सिनेमा इतना पावरफुल मीडियम है, तभी तो बैन होती है फिल्में। आप देखते हैं, और मतलब अभी गए फिल्म देखने, सलमान खान ने टेढ़ा कैप पहना, पूरा पता था कि भारत कैप रातों रात मार्केट में टेढ़ा कैप चलने लगा। तो ये पावर है सिनेमा का। तो आप जब शुरू से अगर देखेंगे सिनेमा के बारे में ना, तो सिनेमा में शुरू से जो बिहार के बिहार वाला करेक्टर होता था, उसको माली, नौकर, ड्राइवर, चपरासी, ये बनाया गया है। तो ये कई प्रकार के लोगों के इस पे विचार है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति के तहत भी ये काम किया गया था। तो वो जो एक पूरा इमेज था ना, तो वो भी बहुत चूँकि बैठा हुआ है ना बिहारी मत, जैसे कैसे हमारे दिमाग में नेपाली बैठा है, वो प्रधानमंत्री की होना, लेकिन पहले दिमाग में आता है कि या तो चौकीदार नहीं तो हींग, बिल्कुल पता है ना कि हींग वाला होगा, नहीं तो ये बैठा हुआ है ना, बट नेपाली सारे तो है नहीं वो, तो इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो वासेपुर ने उसको तोड़ा है, जो आप कह रहे हैं कि मतलब एक नई तरह की चीज़ लेके आया, मतलब बिहार करूँ। सुपर थर्टी ने भी एक अलग तरह की इमेज एक बिहारी चरित्र का लेके आया ना। अभी जैसे मैं एक्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है वो डिसीजन सही नहीं होगा, हाँ। बट मुझे लगता है कि जैसे थोड़े दिन पहले मैं किसी को सुन रहा था, और बड़े बिहार से बड़े अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बोला कि मैं पॉलिश्ड कैरेक्टर्स भी प्ले कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैरेक्टर्स भी प्ले कर सकता हूँ जो बड़े पॉलिश्ड हैं, बड़े एलिगेंट हैं। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार से होने की वजह से उन एक्टर्स को वो पॉलिश्ड कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, ऐसा लगता है आपको कि आप हो सकता है आप कभी करण जौहर के एक फिल्म में काम ना कर पाएँ, या फिर किसी ऐसे फिल्म में काम ना कर पाएँ जो कि बहुत बहुत ही पॉलिश्ड कैरेक्टर हों, जिसमें मतलब जो कैरेक्टर्स हों वो बड़े वेल सूटेड हों, अच्छे कपड़े पहन रखे हों, रोमांटिक हों, बड़े बहुत हाई प्रोफाइल कैरेक्टर्स प्ले करने में आपको लगता है कि वो कहीं एक हिंड्रेंस आएगी? देखिए मैं आपको इसको टेक्निकल बताता हूँ, बिकॉज ये मेरी सोच नहीं है, मैं कास्टिंग में काम कर चुका हूँ। अभी बताया मुकेश छाबरा के साथ मैंने 2 साल कास्टिंग किया है। तो बेसिक क्या है, आप बनाए चाहे कोई भी फिल्म है, एक फिल्म कोई बना दे, जैसे करण जौहर, अब करण जौहर फिल्म बना रहे हैं तो उनके कैरेक्टर की एक उनका एक डिमांड है, वो विजुअलाइजेशन होता है। आप भी कहानी सोचेंगे तो आपके दिमाग में आपका जो करेक्टर दिखता है, क्या पहना है, सब दिखता है। तो करण जौहर जैसे अगर वो बात करें कि पॉलिश की जो बात करें, तो वो दिखता है कि एक ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा है। तो वो उसकी जो कैरेक्टर्स की जो डिमांड है ना, उसमें फिट होना पड़ेगा। वो चाहे आप बिहार से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे दुनिया किसी कोने से हो, अगर उस कैरेक्टर में आप फिट हैं तो आप फिट हो जाएंगे। ये मैं कास्टिंग मतलब ये टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ। उसका ये नहीं हो कि मैं बिहार से हूँ इसलिए नहीं करूँगा। जैसे बिहार से सुशांत सिंह बिहार से भी थे, तो मैनेस्ट्री में हीरो कैसे बन गए, बने ना। तो हीरो इसलिए बने कि जिस हीरो की बात कर रही है, जिस पॉलिश की बात कर रही है,
उसके आसपास उसने अपने आप को उस लुक बना के रखा है जो डिमांड्स है, तो वो हम और आप भी बना लेंगे तो कास्टिंग आपकी डन हो जाएगी। मतलब मेरा ये कहना है, बाकी ये नहीं कि बिहार से हैं इसलिए कोई कास्ट नहीं करेगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। सुशांत सिंह राजपूत, मतलब ये नाम मैं इंटरव्यू में नहीं लाना चाह रहा था। नहीं, मैं क्योंकि हीरो बने हैं ना वो, क्योंकि क्योंकि ये बात आ गई है। और तो शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अगर कोई एक कहते हैं ना मेन स्ट्रीम का हीरो, तो सुशांत सिंह राजपूत ही बने हीरो, जिस हीरो की पॉलिश की बात कर रहे हैं हम, तो ये आना मतलब ये ऑटोमेटिकली आ गई बात। पूरा जो सुशांत सिंह राजपूत का एपिसोड था, अगर बहुत कम शब्दों में आपसे पूछूं, क्या लगता है आपको? ये नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, नहीं, लेकिन नहीं, आपका आपका क्या क्या नजरिया है उस चीज पे? कुछ सोचा आपने कभी दिमाग में आया कि यार क्या हुआ होगा? कुछ तो ओपिनियन बना नहीं, मतलब मैंने जो कुछ मैं ज़्यादा जानता सोचता नहीं इस पर, क्योंकि मेरे अपने अपने चीज़ें होती, लेकिन जहाँ दिमाग में एक कैलकुलेशन अगर कहें कि भाई क्या हुआ होगा, तो मुझे एक चीज़ समझ में ज़रूर आया कि कुछ तो लोचा हुआ होगा, गड़बड़ी किसके है नहीं पता, लेकिन बिना कुछ हुए ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, कुछ तो हुआ होगा ना। स्मूथ होता तो ट्रैफिक नहीं लगता, गाड़ी निकल जाती, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब कहाँ से गड़बड़, कुछ पता नहीं किससे गड़बड़ है, लेकिन नहीं पता, मतलब कुछ तो कहते हैं ना स्पार्क तो हुआ है, ये ऐसे ही कुछ नहीं हुआ होगा, ये तो कुछ है। अब क्या रीज़न है, मतलब हम कल्पना ही कर सकते हैं, सच्चाई तो पता भी नहीं है, लेकिन अब मुझे ये बहुत अजीब लगता है, मतलब वो मैं बिहार से हूँ या सुशांत सिंह की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं, एक ह्यूमन के नेचर पर, एक नागरिक के तौर पर, कि एक ऐसी घटना जिसके लिए पूरा बिहार खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया, सब कुछ खड़ा हो गया, पर खड़ा है मतलब एक दो घर की बात नहीं हो रही है, गांव खड़ा नहीं हुआ, कहां कहां से लोग खड़े हो गए, और आज तक पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या, आप समझ रहे हैं? कभी आपको लगता है कि पता होना चाहिए था कि क्या हुआ, और मतलब क्या हो क्या रहा है उस केस के बारे में, हो क्या रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है ना, तब उसका जो नहीं, मतलब जब उनके बारे में हमको पता नहीं चल पा रहा तो किसी आम आदमी का क्या होगा कि भाई असली में भाई क्या बात हुई थी, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब समझ रहे हैं ना, मान लो कि बगल में कोई किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए, तो भाई अब क्या है क्या नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन उनका भी किसी को नहीं पता आज के डेट में, ना कोई पूछ भी रहा है, ना किसी को कोई इंटरेस्ट भी है। क्या कभी आपको लगता है कि मतलब ह्यूमन लाइफ की जो कीमत है काफ़ी कम है, सोचते हैं इस चीज़ों का भी आप? जब सुशांत के बारे में सोचते हैं, है ही नहीं, इतने एक्टर्स जो सुसाइड कमिट करते हैं या उनके साथ कुछ हो जाता है, एक एक नहीं है अचानक, कम की नहीं है, मुझे लगता है ही नहीं, मेरे अपना अनुभव जो नहीं है बहुत, मतलब जो मैंने अब तक दुनिया देखी है, क्योंकि मैं देखा है मिला है लोगों से, तो जो भी मतलब मुझे अपना जो सर्वे है वो ख़त्म है ही नहीं वो, मतलब पहले होता था ना, मतलब बहुत अजीब नहीं होता, मतलब आज के डेट में मतलब उस लेवल पहुंच गए हैं कि कोई आदमी सामने मर रहा होता और हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये एक माइंड का सेटअप चल रहा है ना, वो नहीं है कि उठा के फटाफट ले जाएं, चाहे कुछ भी दिमाग में बात हो, डर हो, इंटरेस्ट ना हो, तो चीजें खत्म हो गई। चकाचौंध की क्या दो मिनट लगता है भूल जाने में आज के, चकाचौंध की क्या कीमत है? अभी तो पहुंचे नहीं वहां तक, जब पहुंचेंगे तो हम बता पाएंगे आपको। पहुंच चुके हैं आप, मतलब नहीं, नहीं, जिस चकाचौंध की आप बात कर रहे हैं उस चकाचौंध में हम अभी उस तरफ जा रहे हैं, अभी मतलब बढ़िया फिल्में कर रहे हैं तो आप, मतलब अभी भक्षक रिलीज हुई है आपकी और हाँ, मतलब तो ये चकाचौंध का एक पार्ट है मेरे अपने अब तक की जर्नी में, तो अभी थोड़ा सा अभी अंदर जाऊंगा तो असली चकाचौंध का अनुभव होगा, तो मुझे समझ में आ गया एक्चुअली, तो नहीं तो फिर गेसिंग होगा। नेटफ्लिक्स में नेटफ्लिक्स पे फिल्म रिलीज हुई है, रेड चिली के साथ काम कर रहे हैं, एक बड़े सर्कल में आपकी एंट्री हो रही है। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, घबराहट होती है, डर लगता है, एक्साइटेड है, क्या लगता है अभी? एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज मुझे पता क्या मैं इसको कैसे लेता हूँ, जैसे चक्रव्यूह हमने सुना है, क्योंकि ये सब थोड़ा सोचता हूँ मैं, तो चक्रव्यूह कई लेयर्स थे, तो अब ये चक्रव्यूह का पहला लेयर है, और हम लोग मान लीजिए आर्टिस्ट हैं, हम लोग आए तो अभी जो यहाँ है ना उसको दिख रहा है कि उसका पहला लक्ष्य ये होता है कि ये तोड़ के दूसरे में घुसना है, दूसरे तीसरे चौथे हर जगह तोड़ना है, एक लेयर को पार करना है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो अब तक का जर्नी है ना, ये जो जा रहा है ना, ये जो लास्ट लेयर जो है ना, और जो उसके बाद जो एक पूरा जहाँ पे राजा रजवाड़े और दुनिया के सारे चीज़ वहीं बैठे हुए महारथी लोग उसके क्रॉस भक्षक की वजह से मैं क्रॉस कर गया, तो उसमें अब उस दुनिया में मैं साक्षात जा रहा हूँ, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे ना
नेक्स्ट जब करेंगे ना तो उसमें उसकी जरूर बात करूंगा और मैं चाहूंगा शेयर करना। हो सकता है तब आप इतने बिजी हो जाएंगे हम लोग याद ही नहीं। बिजी तो आज भी थे, बात वो नहीं होती है ना। बिजी तो आज भी थे, बिजी तो आज भी यस, तो बात वो नहीं है। बात ये है कि करना है तो करना है और हमें पता है कि हम किसके साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये चकाचौंध की बात हुई, बहुत बड़े सर्कल में, बहुत पॉपुलर सर्कल में जब आप चले जाएंगे, कभी ये लगता है कि लोगों से दूर हो जाएंगे? शायद इस तरह से बैठना, ये जो एक बड़े नॉर्मल से सेटिंग में हम आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। वो ज़मीन से जो जुड़ा जो एक इंसान है, हाँ, वो हमेशा ज़मीन से 2 इंच ऊपर उठ के उड़ के बात करेगा। जैसे बड़ी फिल्म आई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं यहाँ पे अभी शो को पटना में कर रहा हूँ, वहाँ लोग आ रहे हैं, सबसे मिल रहा हूँ, यहाँ हम लोग अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि मुझे उड़ने नहीं देगा। रेड चिली से जब आपने काम किया तो चकाचौंध की अनुभूति हुई आपको? आपको लगा, एक्सपीरियंस हुआ आपको, लगा कि हाँ एक बहुत वेल फंडेड, वेल राउंडेड और बहुत ही एक बढ़िया, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ? लेकिन रेड चिलीज में जो हम लोगों ने भक्षक की फिल्म, या उस दौरान हम ऑफिस जाना, ये जाना, मतलब देखिए आपके ऑफिस, आपके स्टाफ, आप इन्हीं चीज़ों से तो पता चलता है ना कि वो चकाचौंध का असर क्या है। मतलब हवा में उड़ रहे हैं कि मतलब चकाचौंध बैकग्राउंड में है, लेकिन सब मामला ऑथेंटिक ही है, बहुत नॉर्मल मामला है वहाँ। मतलब वहाँ मुझे ये लगा, लगभग सबकी बात कर रहा हूँ, शूटिंग में सब लोग फैसिलिटीज़, एक्ट्रेस का ध्यान रखना, सारी जो एक 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 आर्टिस्ट के बारे में, आर्टिस्ट को लेके जो क्या ख्याल रखा जाता है, क्या ख्याल रखा जाता है, उन ख्याल मतलब आपका कोई दलाल नहीं कह रहा है, उनका कंसर्न है कि आप डिस्टर्ब ना हो, आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्या कह रहे हैं आप, इतना वेलकम है वो लोग, प्लेजेंट लोग हैं। यस सर, श्योर सर, तो मतलब ये ख्याल रखा जा रहा है, ये और रखेगा कौन, वो पर्सन ही रख रहा है, ये वो ब्रेन ही होगा जो कंपनी चला रहा है, मालिक ही होगा ना। तो वो एक जो एक्टर को एक्चुअल में रिस्पेक्ट दिखा ना मुझे, रेड चिली जो दिखा तो मजा आ गया, बनावटी ही नहीं था। आपको लगता है शाहरुख खान की वजह से है? यस ऑफ कोर्स, 110%। दूसरे बिहारी एक्टर्स को किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सपोर्टिव हैं, नहीं सपोर्टिव हैं, या कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं हैं? आपको लगता कम है सपोर्टिव है? फील नहीं, मतलब सोचा कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूं जिस पे बवाल खड़ा हो, तो मुझे स्मार्टनेस में ही कम शब्दों में बोलना है, क्योंकि मैं बोलूंगा वही, या तो मैं सीधा बोलूंगा कि बोलूंगा नहीं, यानी तो बोलूंगा तो मैं अपना, मुझे अपना अनुभव शेयर करना है आपके साथ, मुझे यहाँ पे खाली टिपिकल भाषण तो देना नहीं है कि नहीं 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 सब बिहारी अच्छे, ऐसा नहीं, जो मैं अपनी चीज़ें बताऊंगा मैं, तो मेरे अनुसार जो मेरी अपनी समझ है, और शायद हम और देखेंगे, जितने भी स्टेट है, जैसे एक पंजाबी, एक पंजाबी का वेलकम करता है, एक साउथ इंडियन मतलब अन्ना, तो ये सब है। इस रेशियो में ये जो पूर्वांचल पूरा इलाका है, यूपी और हमारा बिहार, ये बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों बिहार वाला? अब क्यों पे तो उतना गए नहीं हम, लेकिन फील तो हुई है, मतलब आपके बात से ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको, मेरे अनुसार अज्ञानता है, समझ की कमी है, मुझे ना कमी तो कभी ऐसा फील जैसे नहीं हम लोग जब दिल्ली में बोर्डिंग में पढ़ते थे, हाँ, और हम लोग जब दूसरे बिहारियों को देखते थे या उनके माँ बाप हमसे जब स्कूल में हमारे मिलने आते, तो हम लोग सोचते थे कि यार वो, क्योंकि वो बिहार के हैं, वो शायद हमारे साथ भी 2 मिनट बैठेंगे, हमसे भी, हमें भी बुला के बात करेंगे, और थोड़ा सा सपोर्टिव होंगे हमारे लिए। और जब वैसा होता था तो बहुत अच्छा लगता था, हाँ। जब ऐसा नहीं होता था तो बहुत खराब लगता लगेगा ही। वो सपोर्ट आपने ढूंढा बॉम्बे में अपने राज्य के लोगों से? देखिए, मैं जब दिल्ली गया था ना, तो मुझे तभी समझ में आ गई थी बात, बम्बई जाने से पहले तभी मुझे बात समझ में आ गई थी, तो वही समय क्लियर हो गया था कि मुझे जाना ही नहीं किसी के सपोर्ट पे, मुझे जाना है अपने लिए, और यही फैक्ट है, परम सत्य तो यही है कि आप ही अपने कर सकते हैं, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता सिवाय आपको सब हेल्प करने के अलावा, तो ये अब आज के डेट में तो मुझे बहुत क्लियर था कि जाना ही नहीं है। लेकिन एक दो जरूर रेफरेंसेस थे मेरे पास भी, जैसे घर उस होता है ना कि भाई अरे बाऊजी भेज दिए कि चला जाओ उनका यहाँ, तो भाऊ बड़े बड़का नाम हम मैं भी नहीं ले पाऊँगा कि बड़ा है उसका, जाकर उनका से मिल लिया तो हो जाए, तो ऐसे अच्छा है उन लोग का, तो मेरा ये ज़रूर था कि मुझे एक बार चेक करना है। चेक किया आपने? बिल्कुल किया। निराशा हाथ लगी या? हमको ज्ञान ये पता चला कि इस जीवन में अब चेक नहीं करना है, और
ये मुझे, मैं चाहूँगा कि लोग मुझे चेक करें तो उसको वो चाहे मिले जो मैं चाहता था उन लोगों से, और वो मैं काम कर रहा हूँ। अगर लोग आपके पास आए यस और बोले कि सत्यकाम भाई काम चाहिए, मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हाँ, तो आप क्या जेन्युइनली उनकी मदद करेंगे? यस, करता हूँ, करता आ रहा हूँ पिछले 8 साल से। ये मेरा एक 24 घंटे में से ये मेरा काम है, जो मेरा चुना हुआ काम। तो आपकी मदद कौन करता है? मेरी मदद में जिन जिन लोगों को आज के डेट में अगर पूछें तो जिन जिन लोगों को मैंने अभी मदद कर करके थोड़ा सा मजबूत बना दिया है, ये लोग मुझे मदद करते हैं। बाकी महादेव उसी को मानता हूँ कि मेरा बॉस है, वही मदद करता है। तो ये 40-41 साल से हमारी दोस्ती वाली बातचीत होती है, तो मैं उनका भक्त नहीं हूँ, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, ना मैं उनका पूजा करता हूँ। वो मेरा दोस्त है, 24 घंटे उसी से बात करता हूँ मैं, क्योंकि समझ रहे, एक दोस्त जैसा हम लोग मिले हैं ऐसा करके, तो वहीं से आ रहा है। प्लस बुक्स मुझे हेल्प करती है, जहाँ पर चीज़ें और होती है मेरी बुक्स हेल्प करती है। बुक्स मतलब कि मैं ढूंढता हूँ सवाल, जो मेरे मन में चीज़ें आती हैं कुछ भी, मतलब मैं आपको भक्षक की अगर बात करूँ तो भक्षक सिनेमा ने लाइफ में मतलब वो क्रॉस किया है कि वासेपुर के बाद क्या हुआ कि डाउनफॉल बताया हमने, तो उस समय पे मेरी स्थिति ऐसी थी कि जो, तो छोड़िए बड़े लोग, जो लड़का कभी फ़ोन करके हमको ये बोलता था कि सर कभी ऑडिशन हो तो बुलाइएगा, वो लोग भी मेरे मैसेज का और कॉल का रिप्लाई नहीं देते थे। तो मैं आज के डेट में ऐसा हो गया हूँ कि मुझे कोई रिप्लाई अगर नहीं देता है तो मुझे अंतर ही नहीं पड़ता है। मैं 2 साल एक सिंगल आदमी, घर परिवार दोस्त यहाँ के भी वहाँ के भी, सब हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके थे आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर। अरे चढ़लवा गायब, और ये यही प्रक्रिया है। तो भक्षक ने क्या किया कि मतलब वो जितने हम लोग बोलते हैं ना कि गड़ा हुआ मुर्दा, ये सब लोग ने हम मुझे विश किया है। और विश मतलब कि ऑडियो मिस हुआ है, कॉल करके भी हुआ है कुछ लोगों का, व्हाट्सअप का जो आज तक नहीं हुआ था। और अगर ऑडियो सुनेंगे आप तो ऑडियो में कैसा था, मतलब जैसा होता ना कि कमाल काम किया, ऐसा नहीं था, कमाल लिखा भी गया था, KML, वो परफॉर्मेंस मेरा ऐसा, अब मैं कह सकता हूँ, आप भी मान रहे इस बात को। लेकिन वहाँ पर मुझे ये लगा ना कि बातें हुई, अप्रिसिएशन तो हुआ, ये एक अचीवमेंट है, लेकिन वर्क नहीं आया। और उसमें से मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे, जो मैं काम खुद करता हूँ ना, लोगों को सपोर्ट करना, उसको अप्रिशिएट करते हैं वो, लेकिन वहाँ से मुझे हेल्प नहीं मिला। जैसे मैं किसी को हल्का सा पुल कर देता हूँ ना, तो ये पुल की मैं उम्मीद ज़रूर कर रहा था और मैं आज भी चाह रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं मिला। तो वहाँ लगता है कि अरे यार एक हमको भी मिल जाता यार, फिर लगता है कौन है जो मेरी बात सुनेगा, तो उससे बात कह के बात ख़त्म कर देता हूँ। किस तरह की फिल्मों में काम करना चाहते हैं? जिन फिल्मों में काम कर रहा हूँ मैं, अगर बहुत ऑनेस्टी पूछेंगे तो मेरे टेस्ट का जीपी सिंह आई डोंट लाइक, मैं अपने आप को उस रूप में देखना नहीं चाहता हूँ। भक्षक का जो सोनू है, मैं अपने आप को उस रूप में, मेरा ड्रीम नहीं देखना चाहता। तो मैं जैसे जीवन में रह रहा हूँ वैसे, मतलब कमर्शियल फिल्म मुझे पसंद है, उसमें काम करना मुझे पसंद है। नेगेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो कोर स्ट्रेंथ हो गया आपका? हाँ, मतलब अब कर करके इतना आसान हो गया है, आसान हो गया है, बहुत आसान। मैं शायद यही कहूँगा कि अब तक के एज एन एक्टर सबसे कम एफर्ट लगाया है मैंने भक्षक के सोनू के कैरेक्टर में, एफर्ट ही नहीं लगाया। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो खड़ा होकर किसी को देख के डरा देना। हाँ, मुझे किसी ने एक्चुअली बोला ये बात। हाँ। मैं जिक्र कर रहा था आपका और मैंने बोला कि मैं इनको जानता हूँ, काफी दिन से जानता हूँ। हाँ। तो उन्हें बोला यार इस कैरेक्टर से, इस आदमी से नहीं, बस इस कैरेक्टर से मुझे, सोनू से मुझे घृणा। इस चीज को बहुत पॉजिटिवली ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार, मतलब 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि यार ये एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट समझने में मुझे टाइम लगा, लेकिन मुझे 1 सेकंड के लिए लगा यार कि कोई इस तरह कैसे बोल सकता है कि मुझे घृणा आती है। लेकिन फिर जब मैं ठंडे दिमाग से उस चीज को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार, इस कैरेक्टर का सक्सेस यही है। मेरे मुझे पास लगता है कि काफी मेहनत की होगी आपने, बट आप कह रहे हैं कि ये चीजें काफी नहीं, मेहनत मैंने किया है कि उसको पोर्ट्रे कैसे करना है, वो कैरेक्टर जो है वो कैसे क्या करेगा, मतलब कैरेक्टर कैसा होगा, होता है कैरेक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, सोनू कौन होगा, कैसे खड़ा होगा, कैसे बोलेगा। मेरा क्या है कि मैं लाइव लोगों से मिला हूँ 7 साल से, जो मेरा डाउनफॉल हुआ है आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैं सोसाइटी में सिनेमा की खेती कर रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को बहुत सारी चीज़ सोसाइटी का सोशल वर्क कर रहा हूँ, वो काम जो मेरे हाथ में है जो कर सकता हूँ।
तो मेरे पास लाइव करेक्टर्स हैं। तो जैसे मेरे पास सोनू आया, तो मुझे ना सोचना नहीं है कि सोनू कैसा होगा। मेरे सामने कम से कम 14-15 रियल सोनू से मिल चुका हूँ मैं, तो 14-15 सोनू मेरे सामने खड़े हो गए। ये मेरा काम है, तो मैं सोचता हूँ उसमें कि कौन से सोनू को पिक करना है। ऐसा सोनू तो पिक्चर में आ चुका है, ये सोनू तो, क्योंकि आपको अलग करेंगे ना तब तो दिखेंगे ना। अच्छा, 100 साल का इतिहास सिनेमा का हो गया, ऐसा कोई करेक्टर बचा होगा जो लोगों ने हमसे पहले ना किया हो? तो आप कुछ भी करेंगे, कोई बोल देगा अरे उसके उस सीन में ना दिलीप कुमार जैसा लग रहा था, इस सीन में वैसा लग रहा था। तो आप समझ रहे कितना कंपटीशन है, उसमें आप अलग क्या करेंगे? तो उसका आंसर मुझे ये मिला कि प्रकृति ने, नेचर ने सबको अलग बनाया है, तो सोसाइटी में मिल जाता। तो मिल गया, तो मुझे एक सोनू को ढूंढा मैंने, तो इसमें मुझे समय लगा। अब क्या था कि मुझे पता था कि मेरा ये रेड चिलीज है, यहाँ पे जलवा दिखाना है, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा बड़ा ब्रांड है, बड़ा। तो मुझे लगा कि मेरा सबसे पावरफुल मेरे पास क्या है मेरा। तो मुझे पता है कि मेरी आंखें बहुत पावरफुल है, आई नो। तो मैंने बोला कि पूरी अभिनय ही आंखें से करूंगा, बाकी कुछ करूंगा ही नहीं। तो ये मैंने पूरा करेक्टर बनाया कि मैं इनको हिलेगा ही नहीं, क्योंकि खींचेगा ना तो मेरा वैसे ही रहता है वहाँ पे, और मतलब यही बात हो रही है ऐसा करके। और ये था कि ये कहीं सिकन नहीं है, तो गंभीर रोल है, गंभीर बात कहता है, लेकिन ज़रा सा सिकन हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ये ऊंची आवाज़ कर देगा कि ए डोम राजा, ये छोटा हो गया। तो इसको मुझे ये इस पे दिमाग लगा, लेकिन जब एक्ट करने के लिए दिमाग, हमको पता है अभी भी खड़े हो जाएंगे तो वो आ जाएगा, तो ये मैं कह रहा था। तो इस पे दिमाग लगा और उसको नोटिस हुआ, और लोगों को भी वही लगा कि थोड़ा कुछ भारी काम है, और भारी काम है, कुछ भारी काम है वो लगा था। और वो पूरा जो वो एक कैरेक्टर से जो एक सच में जो घृणा होनी चाहिए थी, मेरे पास जो सबसे ज्यादा आया है कॉम्प्लीमेंट, मुझे भी लगा कि उस समय यार, मैंने बोला ये मेरे पास जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आया है, मतलब सबकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो गांव खेड़े लोग भी जो है, मतलब ब्रेन और लेवल की बात कर रहा हूँ। कॉमन उसमें 2-3 चीज आया है। कॉमन क्या आया है? छी, आप ऐसे नहीं थे। मकसद आया कि आपको देख के ना, उस वाले सीन में एक सीन है जहाँ पे वो भूमि पेडनेकर और संजय भाई आए हैं, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे क्या बोला कि देखो ये लोग यहाँ पे आए हैं कहानी में, मुझे कहानी में दोबारा इनको कभी यहाँ लाना नहीं है। तो ऐसी कुछ घटना घटेगी कि ये दोबारा ना आए, दहशत होगा कुछ, तो गोली लुके दिखाएंगे ना तो आ सकती है पुलिस को लेकर, उसको लेकर किसी और चीज़ का धमकी दिखाएंगे तो आ सकती है। तो ऐसा उसको देखना ना कि सलाह जलील हो जाए, तुम्हारी आंखों में ना पूरा उसका ना नंगापन दिख जाए। तो ये जब जब सोचेगी ना, तो तुम्हारी देखेगी कि साला हमको ऐसा ताड़ेगा ना, तो वो कभी नहीं आएगी, स्त्री है वो। अब ऐसा डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो मैंने कहा ठीक है हो जाए। मतलब हम लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, हो जाए। तो वो जो है आप भी देखे होंगे, हम कुछ नहीं किए हैं, बोलते ए फोटो वोटो खींचना मना यहाँ, पहले निकलिए। वो सीन ध्यान है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो हम देख रहे हैं उनको, वो जो था ना उसी पे मेरे पास आया। मेरी अपनी बहन जो है, ये प्रगति जहाँ पे हम लोग हैं, ये भी मेरी अपनी बहन मुझसे फ़ोन कर रही है, क्या सुशील भैया हाइसन, मतलब तू गंदा, अदा, जबकि एडिटर है वो फिल्म एडिटर है, मन क्लस नूक मार चप्पल मार दिया, तो ऐसे गंदा कैसे देख सकेगा? तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैं मिला पहली बार हूँ आपसे, लेकिन मुझे जो मैंने सोचा था जी, जो मैंने दिमाग में बना रखा था, मुझे लगा था कि बहुत आपसे बात करना इतना आसान नहीं होगा जितना एक्चुअली अभी लग रहा है। मुझे लगा था कि, और वो ऑब्वियसली मतलब गंभीर टाइप की, मुझे लगा था कि थोड़ा गंभीर होंगे, अप्रोचेबल हैं लेकिन गंभीर होंगे, और थोड़ा बंदा इतना ओपन नहीं होगा और इतना सादगी से भरा नहीं होगा। एंड ये आपके अब तक का एक्सपीरियंस का बेस ऑल बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स दैट यू हैव प्लेड, और आपने जो कैरेक्टर्स, वो एक इमेज दिमाग में मेरे मतलब वो आ रही थी। हाँ। अभी बीच में आपने एक बात की, एक वर्ड आपने यूज किया, भोजपुरी। हाँ। भोजपुरी सिनेमा जो है उसके बारे में आप, बिहार के जो बड़े बड़े एक्टर्स, आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, आप हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, हमसे सब बड़े हैं, नहीं आपसे सब बड़े हैं, लेकिन आप नहीं, उस लाइन में हम अभी सबसे नीचे हैं, उस लाइन में जिस लाइन का बात कर रहे हैं, उस लाइन में हो सकता है आप अपने आप को नीचे देखें, लेकिन मुझे लगता है कि आप काफी उस लाइन पे तो हैं, उस लाइन में, उस मतलब होता है जैसे भाई दूसरा क्लास में कौन है, तीसरा क्लास में कौन है, चौथा क्लास में कौन है, तो मैं अभी पहले क्लास में हूँ अगर उनके तुलना। कभी लगता है कि इतने बड़े बड़े महारथी बिहार से निकले हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा को वो दर्जा आज तक कोई दिला नहीं पाया,
लगता नहीं है, लगता और फुहड़ता से बाहर जो है ये सिनेमा निकल नहीं रहा है। और पवन सिंह और चाहे जो भी आप नाम ले लें, हाँ, वो हो सकता है बहुत पॉपुलर हों लेकिन एक सर्टेन चीज़ों के लिए पॉपुलर हैं। आपको इस बात पे शर्म आती है या गलत लगता है, बुरा लगता है कि बिहार जो कि इतना कल्चरली इतना रिच है, एक बढ़िया सिनेमा इंडस्ट्री नहीं बना पाया? देखिए मैं और इस बात का जवाब मैं आपसे काफ़ी सटीक चाहूँगा और काफ़ी सही जवाब चाहूँगा मैं आपसे, देखिए तो मुझे बुरा लगता है। देखिए क्या हुआ कि देखिए अगर मुझसे बात हो तो मैं तो ये एक अलग टॉपिक है बहुत बड़ा, बिकॉज मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मतलब वर्क कर रहा हूँ कि मतलब कि ये फैक्ट एसोसिएशन भी था शायद, ये फैक्ट है कि भोजपुरी सिनेमा का ये जो दौर है, अभी का जो दौर, ये दौर में ज़्यादा जो वर्क हो रहा है वो अश्लील वर्क हो रहा है। तो जो वर्क होगा वही दिखाई देगा। खराब लगता है, बिल्कुल खराब लगता है, बिकॉज सिनेमा का इतना प्रभाव है कि जैसे हम आप जैसे कोई इंसान फ्रांस के बारे में जानता नहीं है, उसको आप 3 फ्रेंच फिल्म दिखा दें तो धारणा बना लगे फ्रांस में ऐसा ही हो, फ्रांस में ऐसे ही। तो जो लोग गैर बिहारी हैं वो बिहार में तो है नहीं। तो ये जो भाषा, अब जब भोजपुरी के बारे में जो सुनेंगे उनको यही समझ में आया कि भाई वहाँ के लोग वही हैं, बहुत कॉमन नॉलेज है, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बुरा तो लगता है, बिल्कुल लगता है, और मुझे लगा बुरा तो मुझे लगा कि बुरा लगता है एक तो एक चीज़ हो गई, ये ठीक कैसे होगा, क्योंकि भाई उस तरह का आदमी वो ठीक कैसे होगा। तो वहाँ से मैंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम मैंने रखा था अम्बा, अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन। तो मुझे जो अपनी कैलकुलेशन है, जो मेरा अपना वे है, उसमें मुझे ये समझ में आया कि अब मेरा यह ही नहीं कि दोषी कौन है, दोषी कौन है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो मुझे प्रॉब्लम में ये समझ में आया कि सोल्यूशन इसका ये है कि जितनी संख्या में अश्लील गाने या फिल्में बन रही है उतनी ही संख्या में अश्लील बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सिर्फ बातें रहेंगी और कुछ नहीं होगा। हम नेट पे जब टाइप करें भोजपुरी तो अश्लील गाना निकले, चाहते हैं हम तो कब कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा। ये 100 बना है अश्लीलता तो 100 अश्लील बनेगा तो ये भी निकल के बाहर आएगा। ये बना है 2 और इसकी संख्या है 100 तो यही आएगा ना सामने। बट मुझे तो लगता है कि 2 भी नहीं बनी है शायद। हाँ मतलब एक बता रहा हूँ आपको, तो इस पे मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम है इसकी, यानी अश्लीलता के प्रोडक्शन में कमी है। प्रॉब्लम जो है वो अश्लीलता का प्रोडक्ट कम हो रहा है, ये मुझे समझ में आया। इसके दोषी कौन कौन है ये मैं कई बार बोल के विवाद में फंस चुका हूँ, तो यहाँ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक भी हमारा नहीं है और हम लोग इस पर बात करें तो बेहतर है, बिकॉज हम अच्छे की बात कर रहे हैं। क्या एक सत्यकाम आनंद जी 100 सत्यकाम आनंद पैदा करेगा बिहार से बॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए, या कह सकते हैं बहुत अच्छे दिन अगर हम देख पाएँ तो भोजपुरी सिनेमा के लिए? देखिए मेरा ऐसा मानना है और मेरी प्लानिंग भी है कि हम जब यहाँ से ऊपर जाएं, बहुत पर्सनल बात कर रहे हैं आपसे हम, नहीं नहीं पर्सनल बात के लिए, अगर बिहारी हम लोग डिप्लोमेटिक नहीं है, हम लोग कुछ भी है डिप्लोमेटिक। देखिए अगर जो हमारे कहा गया हमें कि मरने के बाद हमारा एक हिसाब होता है, चित्रूप भगवान हिसाब लिखते, चित्रूप के ही मैं वंशज हूँ तो हमको तो और मानना पड़ेगा। तो हम मेरा मन है कि हम जब ऊपर जाएं तो उनकी औकातें ना हमसे पूछे कि क्या किए हो तुम, ये मेरी खुजली है। तो आप 1000 की बात कर रहे हैं, मेरा तो टारगेट है कि मरने से पहले लाखों करोड़ों हम पैदा करके जाएंगे इसी तरीका से। ये जो 56 है ये 100 होगा, तो 100 होकर ख़त्म नहीं होगा ना, जो 100 होगा तो 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, और ये होगा क्योंकि यही मेरा मेन ड्रीम है। फिल्म में मेरा काम करना, फिल्म एक्टर मेरा होना, बहुत फेमस होना, ये मुझे सपोर्ट करेगा। मेरा असली ड्रीम ये है, कहते हैं एक सत्य है और एक परम सत्य, तो मेरा असली जीवन का लक्ष्य ये है कि सिनेमा के माध्यम से मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूं। मतलब अगर मुझसे आप पूछें तो मैंने ज़िंदगी में एक ही नौकरी का फॉर्म खरीदा है, NDA का, तो मैं अंदर से फौजी आदमी हूँ, भरा नहीं उसको लेकिन खरीदा तो मैं फौजी आदमी हूँ। तो मुझे कंट्री के लिए करना है, तो सिनेमा के थ्रू मुझे ब्रेन वॉश करना है, जैसे सिनेमा दिखाऊंगा ताकि जो बच्चे हैं ना ट्रैक पे जाएं, ये है मेरा। तो अगर ये मैं करता रहा जो अभी जिस इंतजाम से कर रहा हूँ,
तो 1 करोड़ भी मेरे मरने मरने तक अगर 20 साल में जिंदा हूँ तो कम से कम लाख कई लाख पैदा करके जाऊँगा। अभी तक का जैसे आपको फिल्म कैरेक्टर्स की बात करें, कोई एक कैरेक्टर बताइए जो आप प्ले करना चाहते हैं। बहुत सारा कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर बताइए जो आपका फेवरेट कैरेक्टर हो, जो ऑलरेडी आ चुके हैं पहले कोई भी, कोई भी एक कैरेक्टर जो फिल्मों में आ चुकी है जो आपको लगता है कि आप करना चाहेंगे और आप बेहतर कर सकते थे। बेहतर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक फिल्म में सदमा कमल हसन श्रीदेवी साहब, श्रीदेवी जी की, उसमें जो कमल हसन करेक्टर है मैं चाहूंगा उसको प्ले करना। आपकी कमजोरियां एज एन एक्टर क्या हैं? मुझे कॉमेडी में समझ नहीं आती, मतलब समझ नहीं आती मतलब कि मैं डर जाता हूँ, नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत दिन से किया नहीं, बहुत सालों से, तो आदत भी नहीं है। लोग हंसाना मुश्किल लगता है? नहीं, कैमरा के सामने की जो कॉमेडी है, एक्टिंग वाली कॉमेडी बहुत है, बाकी आप मेरा जब पब्लिक प्लेस पे मैं रहता हूँ, बात करता हूँ, तो हंसा हंसा के रुला दूंगा मैं, लेकिन जो कॉमेडी टिपिकल फ्लेवर होता है ना, एक कॉमिक कैरेक्टर जो होता है, उसमें मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको लगता है कि मेरे लिए एज अ बिहारी या एक ऐसा इंसान जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, आपके लिए ह्यूमन इमोशंस को पोर्ट्रे करना ज़्यादा आसान है? आसान इसलिए है बिकॉज मैंने उस पर काफ़ी वर्क किया, जो बताया तो वर्क किया, तो मुझे ना उसके डेप्थ में पता चला और मैंने उसको महसूस किया, देखा, तो मुझे लग रहा है कि और यार क्या बात है। और दूसरा आसान मुझे इसलिए लगता है, मतलब अपने लिए बात करूँ, मैं माइम आर्टिस्ट भी हूँ, मुक अभिनय मतलब जिसमें बोलना नहीं है, बिना बोले। आज भी मेरा शो था, आज भी शो था तो बिना बोले आपको सब कुछ कह देना है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इमोशन का मतलब ही नहीं है कि मैं आपको बोल के कह के बोलूँ कि मतलब तुमको पता है कितना प्यार है, मैंने देखा और समझ में आ जाएगा किस लेवल पे। अब दिखता है वो जानवर में, नहीं दिखता कि आप घर में अगर कुत्ता आपने पाला है तो जब आता है तो उसकी आंखों में नहीं दिखता कि क्या चल रहा है दिमाग में, तो ये टफ काम है, लेकिन मेरे लिए आसान है बिकॉज मैं मुख अभिनय करता हूँ, तो ये ना बहुत मजा आया कि मतलब आप देखा, ये सब तो हुआ है भक्षक में ना, मैंने देखा और मेरी आंख में गंदगी दिख गई, तो वैसे इमोशन में दिखाना चाहता हूँ आंखों में, जो सोसाइटी में मिसिंग है, जिसको लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ लेटली कौन सी फिल्म देखी है आपने? अभी तो ये देखा मैंने, क्या नाम है, लापता लेडीज। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी फिल्म, और मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि जो रवि किशन साहब का करेक्टर है उसमें मैं भी शॉर्टलिस्टेड हुआ था, तो मैं इस फिल्म को बहुत 1.5-2 साल पहले से जानता हूँ, ठीक है, तो फिल्म कंटेंट तो बहुत मज़ेदार है, अच्छा है, एक नई चीज़ है, और बहुत मतलब देखिए क्या है ना कि ऐसी कहानी है वो कि जो जानता है उसके बारे में तो उनको लगेगा अरे यार ये तो हम जानते हैं और ऐसी कहानी तो फिल्म में आनी चाहिए, और जो नहीं जानता उसको लगता है कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या। बहुत सारे आज के अर्बन जो दुनिया है उनको कहाँ पता है कि ऐसी भी घटनाएँ घटती है छोटे जगहों पर जहाँ दुल्हा दुल्हन लड़की लेके गया दुल्हनी चेंज हो जाती है, नहीं पता है ना, यहाँ तो चेंज किया जाता है। तो ये आज के जो यंगस्टर्स हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, उनको कहाँ पता है कि ऐसी भी चीज़ें होती थी चाहे हो रही हैं, तो उनके लिए बहुत नयापन होगा, कुछ फ्रेश कंटेंट मिलता है उनके लिए। और हम लोग जानते हैं किस तरह घटनाएं हम सुने हैं कई, तो लगा कि वाह क्या समझ आ, ये इस तरह की भी कहानियां आ रही हैं फिल्म में भाई। हाँ, और ये एकदम इंडियन कहानी है, जैसे बिहार में मतलब लोगों को कमाल की बात ये है, यहाँ लड़के उठा लेते हैं, हाँ पकड़वा शादी, जो पकड़वा साधु, और कमाल की बात ये है मतलब पूरे दुनिया का नहीं पता, लेकिन बहुत जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनकी बातों में यही आता है कि मतलब ये बिहार की कहानी फिल्म है, मतलब उनको लगता है कि बिहार की ही कहानी है लापता लेडीज। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के अच्छी कहानी, इमोशनल कहानी को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। सबसे ओवररेटेड फिल्म आज तक की कौन सी लगती है आपको? लगा यार ये ज़्यादा अटेंशन मिल गया इस फिल्म को यार। नहीं नहीं मैं ऐसा सोचता ही नहीं, बिकॉज मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी 4 बार देखा है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, सबसे आप एक कहते ना कि दैट फिल्म वॉज सो बैड दैट इट वॉज गुड, जैसे एक जानी दुश्मन फिल्म थी, हाँ संजीव कुमार वाली नहीं, हाँ नहीं दूसरा जो अभी आई थी, तो हम लोगों ने एक बार किया था और मैं एक स्टोरी की थी हम लोगों ने, उसमें था कि भाई द फिल्म वाज सो बैड दैट इट वाज एक्चुअली गुड, ऐसी कोई फिल्म आपको लगता है कि फिल्म इतनी ख़राब थी कि उसको देखने में ऐसे बहुत बहुत सारे बहुत सारे सब बारे में तो बात कर ली सत्यकाम भाई जी। ये ऑनलाइन सर्च कर रहे थे आपके बारे में, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका, शादीशुदा है कि खुश हैं? शादीशुदा हैं कि खुश हैं? शादी करके खुश हैं? देखिए शादी के इतने साल हो गए मेरे कि वो जो खुश होने वाला जो फेज आता है ना उसमें मैं आ चुका हूँ। मेरी शादी को वो 23 साल हो गए,
23 साल मेरी शादी को हुए होंगे, मेरा 19 साल का बेटा है। तो ये जो पूरा दौर जो होता है ना, जिसपे हम लोग शुरू किए बात, इसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब मैं खुश भी हूँ और शादीशुदा भी हूँ। वेल ट्रेंड है आप एज अ हस्बैंड? यस, बहुत। 23 साल का और लव मैरिज है। और हमारा जो सोसाइटी है या जो हम जो सुनते आए हैं इसी माहौल में, हम आप भी बड़े हैं, कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होता, यही सुनते आए हम बचपन से। लेकिन मेरी 23 साल के लव मैरिज और 23 ईयर्स है, और मुझे लगता है कि इस इतने सालों बाद अगर मैं अभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ, सिनेमा के खेते चीज़ कर रहा हूँ, फिल्म में अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ, या फिल्म में अभी फिर से एक्टिव हूँ इतना उठा पटक के बाद भी, तो ये तभी संभव है जब घर का माहौल ठीक होता है, तभी संभव होता है। तो इस मामले में मैं बिल्कुल हर उस चीज़ को काटने के लिए तैयार हूँ जो कहता है कि लव मेरे सक्सेस नहीं होता। बट बिहार में तो मतलब ये बिहार में लव मैरिज करना एक बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो मेरे साथ भी था। कुछ कहा बताना चाहेंगे? मतलब बताना ये चाहूंगा कि बिहारी को कोई अपनी लड़की देना बड़ा अरे मुश्किल है भाई। बाप रे बाप, मैं आपको बताऊं कहानी तो आपको मतलब हिल जाएंगे कितनी मुश्किल है। मेरा यूनिवर्सिटी की लड़कियां नहीं पढ़ती हैं बिहारियों से। मेरी शादी गोवा में हुई है। गोवा में शादी? बताइए, समझ रहे हैं गोवा में शादी? और गोवा मतलब कि देखिए बात दिल्ली वाली, तो फिर भी हम कल्चरली एक दूसरे को अवेयर हैं। गोवा तो एकदम अलग कल्चर है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, वहाँ के लोग की सोच अलग है और सब कुछ अलग है। वहाँ के लोग कैसे हैं, सेल में रहते हैं, अपना एक सेल है उसी में रहते हैं, एम्बिशन होता ही नहीं है वहाँ के लोगों को, दे आर हैप्पी पर्सन। तो मैं जब अपने होने वाले जो ससुर जी थे, जो अब एक्सपायर करके बेचारे 2017 में, तो उनसे जब पहली बार मतलब हम लोग मिलने गए, मिल नहीं रहे थे। अच्छा, प्लस गोवा में इनके जो मेरे ससुराल है इसके आसपास के जो घर नए बन रहे हैं, तो वो मजदूरे जो थे वो बिहारी थे। तो इनके लिए बहुत मुश्किल था कि मतलब कि बिहारी से कैसे प्यार हो गया, क्योंकि बिहारी कौन जो काटता है, मारता है, पिटता है, छीनता है, और दूसरा कि बिहारी जो वो लोग देख रहे हैं लोग करते हैं, तीसरा कि सरसों का जो तेल है ये वहाँ वो लोग उनको स्मेल आता है वहाँ के लोगों को, गोवन लोगों को। तो यहाँ से जो बिहारी और यूपी के लोग थे जो आस पड़ोस में रह भी रहे, तो लोग सरसों बनाते थे। तो ये भी था कि सरसों में कोई कैसे बनाता, जैसे हम लोग लगता है कि नारियल तेल, नारियल कैसे तेल में कौन ठीक है? तो वो बहुत ऐसा मामला था कि मुझसे एक सवाल पूछा जाता था और मुझके पास जवाब नहीं देता, तो उसके फादर मानना पड़ा उनको, बिकॉज मैं उसी के लिए बम्बई आया था। और मेरा ये था कि आप कब तक भागेंगे, मैं कम से कम एवरी मंथ जाता था मैं और उनसे बोलता था कि शादी करनी है मुझे, और जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक नहीं करनी है। जब 7-8 बार मैं गया हर महीने, मुंबई रहता था, जाता था 4 दिन के लिए गया उनके पिताजी, दूसरे तीसरे बार में पिताजी भाग जाते थे, हमसे बात ही नहीं कर पाते थे, हम उनको ढूंढते थे कहाँ भागे हुए हैं, फिर जाकर बोलते थे कि अब क्या डिसीजन हुआ आपका बताइए। जब 7वीं 8वीं बार वो पहुँच हुआ तो फिर मुझे समझ में आया कि अब दूसरे तरीके समझाना पड़ेगा। तो सवाल क्या करते थे वो 4थी 5वीं बार में मुझसे, पहली बार पहले तो बात ही नहीं करते थे हमसे, फिर उनको लगा कि नहीं यार बात करना चाहिए, बेटी कह रही है तो बात करना चाहिए। तो क्या पूछ हमको पहली बार सवाल के जिसके पास मेरे पास अब तभी भी आंसर नहीं था, आज भी नहीं है। वो कहते थे ठीक है मैं तुम्हार, उनकी जो लैंग्वेज थी कि ठीक है मैं तेरे से अपनी बेटी की शादी करा दूंगा, करता हूँ, तो तू मेरी बेटी को ले जाएगा और उधर कहीं ट्रेन में तू काट के फेंक देगा तो मैं अपनी बेटी को किधर ढूंढूंगा। क्या 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 जवाब देते थे यार? मैंने कहा कि ऐसा मैं तो उस समय बोलता था, मैंने कहा अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा, बोले नहीं तू की बात नहीं, बिहार के लोग तो ऐसे करते हैं। बट लेकिन मतलब आपकी वाइफ काफ़ी प्यार करती होंगी, मतलब उन्होंने कभी ऐसा बोला कि कहाँ बिहारी के साथ फंस गए? नहीं तो बोलती तो आज 23 साल से कहाँ फंस जाती, तभी आज़ाद हो जाती ठीक है। तो क्योंकि वो मुझे जानती थी ना, लेकिन उनके फादर मुझे नहीं जानते थे ना। भाई प्यार हुआ है मुझे तब हम एक दूसरे को समझते हैं ना प्यार में, तो उनके पिताजी के साथ थोड़ी हमको प्यार हुआ था कि हम समय बिताए थे और पिताजी समझे कि नहीं नहीं ये अच्छा आदमी है। कहते थे कि लेके जा गया उधर जला देगा मेरी बेटी को अपने बिहार में ले जाके, तो मैं किधर अपनी बच्ची को ढूंढूंगा। इस सवाल का आंसर देना आसान है, ऐसा भी नहीं कोई सवाल किया जा रहा हमसे, वो भी एक बाप कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों जलाऊंगा। एक दिन मेरी वाइफ जो हुए हैं अभी, उन्होंने कहा कि सुनो बाबा ने बोला है ऐसा करके कि तू उसको फ़ोन करके बोल दे कि इधर कोर्ट मैरिज के लिए अपना सर्टिफिकेट भेजे। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था ये 9-10 महीने बाद, और मेरे लिए इतनी सरप्राइज था कि मान कैसे गया आदमी, क्योंकि वो नीचे भी तो मान मतलब क्या वजह है कि मान गए ये। तो मैंने जानना भी चाहा, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई बाबा क्यों मान गए, तो उसने बताया कि उन्होंने ये कहा कि वो तेरे लिए 10 महीने से आ रहा है, तो
तो मेरा जो कंटिन्यूस आना और उनसे नॉक करना, ये कंसर्न उनको लगा कि ये मेरे बच्चे से प्यार करेगा। बिहारी बहुत अच्छा प्यार कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? मैं कर रहा हूँ, लगता क्या है, बिल्कुल कर सकते हैं। As someone जो मुझे लगता है कि जो प्रेम और प्यार का जो मतलब एक्चुअल है ना, वो शायद बिहार के में संख्या ज्यादा है जो बची हुई है। बहुत ओरिजिनल प्यार है यहाँ पे लोगों को, मतलब जैसे कहते हैं प्यार है, प्यार मतलब आज भी वो यस कि तुम्हारे लिए किसी को जान से मार देंगे कुछ भी। यहाँ तो प्यार ऐसा होता है कि लड़की के साथ साला ब्रेकअप हुआ तो लड़का आईएएस बनता है, कि हमको ये समझ रही हो ना, सीधा यूपीएससी भरेगा निकाल लेता है। तो इस लेवल का जो हम लोग प्यार जो वर्ड है ना, जिसका अर्थ मुझे अब समझ में आता है, प्यार मांगता है ये चीज। तो इतनी देने की क्षमता और पाने की जो जिद है, ये कंसर्न जो है वो हम लोग में ज्यादा है। इसलिए नहीं कि मैं बिहार से हूँ, इसलिए कि उसका भौगोलिक स्थिति है, हम उसे ब्रीड है वहाँ ऐसा। तो मेरे ससुर जी का ये रीजन था, और दूसरा था कि कष्ट लेके आता है तुम्हारे लिए। तो उनको नहीं पता था, बाद में बताया था मैंने कि ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, और मेरे ससुर जी को ट्रैवलिंग से नफरत था। तो उनको लगता था कि ट्रैवल करके आता है तो बहुत प्यार करता है, जबकि उनको नहीं पता था कि ट्रैवलिंग मुझे इतना पसंद है कि अभी आप कहेंगे मैं निकल जाऊंगा। बच्चे को ये सब कहानी बताते हैं आप अपने बेटे को? बिल्कुल सब जानते हैं। क्या लगता है उसको, क्या कहता है? हंसता है, मजा आता है उसको, बहुत खुश है कि उसके बाप मम्मी डैडी मजेदार लोग हैं। ठीक है, बेटा क्या करेगा? बेटा मेरा अभी पढ़ रहा है पार्ट वन में, ग्रेजुएशन कर रहा है और फिल्म मेकिंग से कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी में। बेटा अगर आपका फिल्म मेकिंग कर रहा है, एक सवाल ये आपसे तो नहीं पूछा गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद, जब 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी आपका बेटा एक बहुत, मतलब मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत बड़ा, हाँ बहुत समझदार बनेगा, बहुत बड़ा जो भी बने, डायरेक्टर बने, एक्टर बने, जो भी बने, नेपोटिज्म सवाल जरूर आएगा। नेपोटिज्म पूछेंगे लोग, अरे सत्यकाम का बेटा था। तो देखिए क्या है, अच्छा देखिए क्या है अब। और ये जो जितनी हम आपके स्ट्रगल की कहानी सुन रहे हैं, उतनी स्टोरीज उसके पास शायद नहीं होंगी। ऑब्वियसली नहीं हो, मैं तो चाहूंगा कि ना हो। क्यों क्यों नहीं, नेपोटिज्म क्या, जब तक सोने को आग नहीं लगेगी वो कैसे दिखेगा? वो उसका अपना एक सोना है, उसका अलग। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे बेटे को भी वहीं जाने के लिए वो फिर बैक टू आ रहा है और अपने बाप की तरह यहाँ से शुरू करे तो ही मेरी तरह होगा। नेपोटिज्म को इतना गलत क्यों समझा जाता है? अगर एक बाप अपने बेटे के लिए मेहनत नहीं करेगा, एक माँ अपने बेटे के लिए मेहनत नहीं करेगी, कौन करेगा? तो और करने की बात ही नहीं है। एक डॉक्टर है भाई, उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, सिंपल सी बात है, बनेगा वो, उसका मन है तो बनेगा। और नेपोटिज्म की बात, इसको कभी देखिए, जैसे अब मेरे बेटे के साथ कहा जाएगा, हाँ मतलब बिल्कुल, ये कहा जो आपने सवाल किया, तो वैसे ही बच्चन साहब ने एक स्ट्रगल किया है तो उसके अगले पीढ़ी को मिलेगा ही मिलेगा, इसको रोक ही नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम है पहली बार। लेकिन उसको संभालना, उसको आगे बढ़ाना, ये फिर आपके ऊपर, पता क्या होगा ना, देखिए एक होती है स्ट्रगल, ब्रेक मिलने का स्ट्रगल, लेकिन ब्रेक हम लोग जैसे हैं कि हमको स्ट्रगल किस बात का है कि हमको एक बड़ा ब्रेक मिल जाए तो हम घर उड़ा देंगे। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश होता है, हो जाता है, उनके बच्चों को क्या है, ब्रेक मिलने वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रेक मिलने के बाद प्रूफ तो करना पड़ेगा, चाहे मेरा बेटा हो चाहे अमिताभ बच्चन का बेटा हो, प्रूफ तो करेंगे तो ही वो आगे एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि आपका बेटा आपके लिए वो फिल्में बनाएगा, ऐसे किरदार बनाएगा जो आपको एक नई दिशा देंगे, आपको एक नई जगह पे ले जाएंगे? वही बनाएगा जो मैं चाह रहा हूँ ना, जिस तरह से स्क्रीन पे दिखना, मेरे बेटे के अलावा कोई बना ही नहीं सकता है। इसलिए बिकॉज जैसे मैं सिनेमा खेती कर रहा हूँ, सारे बच्चों को, तो मेरा बेटा है ना, तो मुझसे क्या बोलता है, मेरा तो स्ट्रगल इतना है कि आप सुनिए तो मज़ा आ जाएगा। क्या बोलता है, मेरा बेटा भी लंबा चौड़ा हो गया, ऐसे रखता है, कहता है डैडी डोंट वरी आई विल लॉन्च यू। तो मेरी स्ट्रगल है कि मेरा बेटा पैदा हुआ और आज इतना बड़ा हो गया कि डैडी को लॉन्च कर रहा है, तो ये लॉन्च करेगा तो क्यों मुझे पसंद है, क्योंकि वो जो कहानी लिखता है ना, वो लिखता है वार्नर्स ब्रदर के लिए, उसके दिमाग में ये है। वो जोकर के कई सीरीज लिख चुका है, उसके हर जोकर में उसका बाप दिखता है उसको, इसलिए नहीं कि मैं उसका बाप हूँ, मेरा बहुत बड़ा फैन है एज एन एक्टर जैसे आप हैं, तो वो जोकर के रूप में दिखता है मुझे। हम
तो वो मुझे उस लेवल पे कैरेक्टर को लिखता है कि मैं बोलता हूँ कि पीकू तुझे पता है 10 साल तेरे को और लगेगा, 10 साल में तेरा बाप हो जाएगा 60 साल का, तो कह रहे अरे मतलब आप समझ रहे हो इस पूरे बात में, मतलब जितना कन्विंसिंग वो मुझे हीरो दिखता है, दिखता है अपने बाप को आज भी। जितने कन्विंसिंग आप एज अ फादर और एज अ यस हस्बैंड आप मतलब आप एज अ लवर एज अ लगते हैं, मतलब ये हाँ। कमाल की बात है, मतलब मैं आशा करता हूँ कि। और सुनिए ना क्या क्या बोलता है धीरे से, डैडी उसमें ना थोड़ा रोमांटिक सीन भी होगा, मम्मा को नहीं बताएंगे, ये बोलता है। अब सोचो कि हमारा क्या रिलेशन है, कूल डैड है आप हा? तो बिहारी डैड कूल डैड है। अरे पूरा मेरा इस दुनिया में सबसे क्लोज मेरा फ्रेंड है वो, तो बाप से बेहतर दुनिया में कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं हो सकता अच्छी स्थिति की, वो तो सब जानते हैं। एक दोस्त है, एक लड़का है मेरा बेटा है, जा रहा 4 दोस्तों के साथ और मुसीबत में सामने आ गया, चांसेस है कि उसके सारे दोस्त भाग जाएंगे, बाप कब कैसे भाग सकता है, भाग सकते हैं क्या आप? नहीं बिल्कुल नहीं। एक बाप अपने बच्चे को कैसे गलत सलाह दे सकता है, क्या ये सब ठीक चीज नहीं, जाओ साले को रेप करो, जाओ साले को, इन बहुत कम ही लोग होते होंगे ना, तो बाप से बेहतर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है जो कि सिक्योर करेगा, सुरक्षित भी रखेगा, इस बात को मैं जानता था और ये कमी मैंने महसूस की अपने फादर के साथ, तो मुझे समझ में आई, तो वो मेरा द बेस्ट दोस्त है। एक एज है जिस एज में सभी भटकते हैं, आज मेरा बेटा उस एज में 19 साल में जहाँ वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होगा, नशे की तरफ आकर्षित होगा, होगा तो वो छुपके सिगरेट पिएगा और किसी और से पूछेगा कि सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और अगर मुझसे पूछता है तो उन सबसे बेहतर मैं सलाह दूंगा ना। जब बाहर का कोई इंसान, अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, जब बाहर के इंसान बात करने लगते हैं तो वो उसको क्या बताएंगे इस चीज पे, गारंटी नहीं है, लेकिन बाप कभी भी अपने बच्चे को बर्बाद नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। अगर बाप और बच्चे की दोस्ती हो जाए उससे बेहतर दुनिया में दोस्त हो ही नहीं सकता। सत्यकाम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब मुझे अभी मुझे लगता है तकरीबन 4 बजने वाले होंगे, 2 बजे रात में हमने ये 3 ही बजने वाला 3 बज रहा है, तो हमने काफी देर पहले ही इंटरव्यू शुरू किया था, मुझे लगा भी नहीं पहली बार हम लोग मिल रहे हैं इतनी सारी। मैं जैसे ही शुरू हुआ तो इनसे पूछा मैंने कि चेहरा पर थोड़ा थकान लग रहा है, तो इन्होंने बोला हाँ मैं सुबह हम लोग गए हैं, रात भर काम किए हैं, 12 बजे गए हैं, 2 घंटा सोए हैं सिर्फ, वहाँ से कंटिन्यू फिर जाके काम हुआ है, फिर शो हुआ है, नाटक किया है मैंने, नाटक करने के बाद यहाँ आके अभी तक हम बात कर रहे हैं। मैं मतलब ये एक मजेदार चीज है कि आप जिंदगी भर इतना ही काम करते रहें और काफी काम मिले, इतना काम आपको मिले, इतना पैसा मिले, इतनी शोहरत मिले कि मजा आ जाए, मतलब सबके लिए मजा आ जाए, हमारे लिए भी आपके पास समय नहीं हो, मतलब मैं सच में देखिए समय का मामला क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है जो समझ में, क्योंकि मैं भी अब देखिए पहले जो खाली बैठते होते तो कहना सही नहीं था, आज के डेट में मैं नहीं हूँ, बिजी हो गया हूँ, और बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई साल लगे हैं, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर के पहले 10 साल, बाद के 10 साल, तो किसी भी एक्टर को ना मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं ना जो कॉमन होती है कि एक्टिंग क्यों करने जा रहा है, एक ज़रूर होता है कि फेमस हो जाए हम, सब लोग जाने हमको, ये है सबके अंदर, ये सबके अंदर मन क्यों ना, मैं जरूर कही जाता है कि साला मेरा भी कोई फोटो, मेरे साथ भी कोई फोटो खिंचवाए, कि हर एक्टर को मन करता है कि हम भी जाएं तो कोई एयरपोर्ट पर हमको पहचान जाए, फोटो खिंचवाए। और तीसरा ये होता है कि इतना बिजी रहे ना कि एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट, तो ये मेरा भी था, तो ये 20 साल लग गए मुझे, 22 साल, तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ कि आखिर वो दिन आ गया। चलिए मुबारक हो, मुबारक हो सत्यकाम भाई, फिर से मिलेंगे आपसे जब आप एक और बड़े लीग में पहुंच जाएंगे, हॉलीवुड में पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंचना है, जाना मतलब क्योंकि टारगेट है, बेटे को भेज रहे हैं वहाँ पे, बेटे को इसीलिए भेजा जा रहा है, पता ये उसका मन है कि सैन फ्रांसिस्को में पढ़े वो 2 साल बाद, तो अब वहाँ जाएगा तो वहाँ से वहीं जाएगा, प्लस कहानी लिखता है वार्नर्स ब्रदर्स के लिए, इनके लिए, उनके लिए दिस पैट लिखता है, साइको वाले जो फिल्म है उसके पार्ट्स लिखता है वो, कि मैं बनाऊंगा तो बलून्स कैसा बनाऊंगा, इस तरह का, तो जाएंगे वहाँ भी। चलिए बहुत बढ़िया लगा पौष बिहारी के पॉडकास्ट, पहले पॉडकास्ट में हमारा अपने साथ दिया, ये तो वो वाला मामला हो जाएगा, जिंदगी भर शुक्रिया अदा करेंगे, तो वो वाला मामला हो जाएगा, पहला प्यार कैसा होता है आप कभी नहीं भूल सकते। आपके चैनल पे आने वाले समय में हजारों लोग आएंगे और आएंगे जैसे आपके अंदर लग रहा है, थैंक यू थैंक यू, लेकिन हम पहले रहेंगे, आप पहले रहेंगे, पहला स्पॉट, ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा, और ये जो शूटिंग है कभी नहीं भूल सकते आप, कभी नहीं भूलने का नाटक कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो समय की जो बात थी ना, समय निकाला जाता है, निकल जाता है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मोदी जी से ज्यादा इस भारत में कोई व्यस्त होगा, कोई नहीं, कोई एक तो पोस्ट, प्रधानमंत्री के पोस्ट कितना काम है, ऊपर से वो अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहा, कितना एक्टिव है, तो
तो जब वो आदमी जहाँ उसकी लगता है कि समय निकालना निकल जाता, हम लोग बहुत समय है हमारे पास, बहुत समय है। चलिए तो समय निकल जाता है। हाँ, ये कैलकुलेशन जरूर अब हो जाता है कि किस चीज़ के लिए समय निकालना है। नहीं, ये तो हो गया, मुझे लगता है कि क्या मिस नहीं करना है। समय की व्यस्तता बढ़ेगी ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी, छूटेगी। 24 घंटे में क्या क्या कीजिएगा, तो कुछ चीज़ें मिस होंगी, तो क्या मिस नहीं करना, ध्यान रखना, उसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया मैंने अगर तरीके से देखा जाए तो महसूस किया था बहुत पहले, आज आपके साथ ही मैंने भी इम्प्लीमेंट किया कि कितना भी बिजी हो जाऊं इसको मिस नहीं करना है। रात को 2 बजे, रात को 3 बजे हमको शूट करना ही करना है, ये बातें हमको करनी ही करनी है, जिंदगी भर आवार रहेगा इस चीज़। तो ये जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत मजा आ जाएगा। मेरे लिए भी इम्प्लीमेंट मैंने भी पहली बार किया। थैंक यू। मुझे लगता है बिहार से पहला पॉडकास्ट निकलेगा ये, बिहार से मुझे लगता है कि आज तक ऐसा पॉडकास्ट नहीं निकला है जो सिर्फ बिहारियों पे फोकस करता हो। यस यस, और अच्छा जाएगा, अच्छी बातें हुई है। थैंक यू। अलग सवाल किया गया मुझसे भी, कई तरह के चीज़ें हो रही हैं आजकल पॉडकास्ट सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा जो चाह रहा था आदमी उस स्थिति में आ गया है। तो बहुत जगह हम भी दे रहे हैं इंटरव्यूज, दे रहे हैं आज भी कई जगह दी, लेकिन यहाँ थोड़ा और इसलिए मज़ा आ रहा है ना कि बहुत वैसी सवाल यहाँ से किया गया, जो बहुत सारे सवाल वही किया जाता है जो आप मेरे किसी भी इंटरव्यू में मिल जाएगा। तो समझदार आदमी वो सवाल नहीं करता है। जो इंटरव्यू देने वाला होता है, जब जिसको मौका मिलने लगा तो खूब इंटरव्यू देने लगा, तो उसमें भी एक समय के बाद बोरिंग होने लगता है। इंटरव्यू देना मेरे लिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसके लिए मैंने स्ट्रगल किया है कि मैं बोलना चाहता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू हो। सब एक्टर करते हैं, लेकिन जब एक एक सवाल आते लगता है ना तो फिर मज़ा कम आता है। लेकिन जब नया कुछ चीज़ें आती है, जैसे आपके आज बात करके बहुत नई चीज़ें सवाल आई हैं मेरे पास, तो मज़ा आ गया, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। लाइफ में जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो क्या चीज़ें करना है हमको सबको पता है, क्या मिस नहीं करना है। तो उसमें ये मेरे दिमाग में था कि ये मेरे साथ भी स्थिति आएगी कि चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो उसमें ये ज़रूर था कि ये जो इंटरव्यू है सौरभ के साथ और पौष बिहारी के लिए मुझे मिस नहीं करना है। तो ये बहुत मायने में एक कनेक्टिविटी हम लोगों में, जैसे पहला है ये, कब भी पहला है तो सब कुछ पहला पहला है, तो पहला प्यार वाला मामला है बिल्कुल से पहला प्यार का मामला है। तो और देख ही रहे होंगे, मतलब कि दिख ही रहा चेहरे पे जिस तरह का जो पहला प्यार में कैसा, जो रात में 3 बजे भी थकावट नहीं है हम लोग, और जो चेहरे पे भी जो भी हमारी मुस्कान आ रही होगी ना, वो इश्क वाला होगा, पहला वाला। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि बहुत मुझे मजा आया इसमें, और आप लोग देखें इसको, सुने और सब्सक्राइब करें, जो बाकी सारे लोग कहते हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर बातचीत हम लोगों की कुछ अलग, कुछ मज़ेदार लगा, अगर वाकई में लगा है, तो मन में ज़रूर आपके आएगा कि अरे यार अच्छी बात है, तो अच्छी बात है तो थोड़ा अच्छी बात दूसरों तक भी फॉरवर्ड कर दिया जाए। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी हमें बताएं कि हमें क्या, और हमें फीडबैक दें, इन लोगों को बताएं कि और हम क्या ये लोग करें, ताकि और अच्छे से हम अपनी बातों को रख सकें। बिल्कुल।